भीड़ है, लाइक उतना भीड़ अभी उतना देखने को नहीं मिल रहा, बट सामने की साइड देखोगे ना उधर के साइड तो बहुत ही ज्यादा भीड़ मिलेगा आपको देखने को उस तरफ। बस इंतजार करते, सवा घंटा अपने को वेट करनी है भाई, 6:15 में ही पहुंचा दिया। गाइज अपना ट्रेन आ गई है, ये वाली ट्रेन है, तो इसी से अपना S1 में है, S1 में 78 नंबर सीट है अपना। रुकने का इंतजाम है भाई, देख रहे हो लिफ्ट है सब सारा कुछ, अगला लिफ्ट तो आगे है भाई। इधर देखो सारे लोग, इंतजाम कितना मस्त है। और फिर और भी सारे लोग ये ट्रेन से उतरे हैं, जो मैंने ट्रेन से आया ना वही ट्रेन से ये लोग भी आए, बहुत सारे बम आए इस ट्रेन से। और गाइज मैं हूँ लाइक अभी स्टेशन पे ही पहुँचे भाई, बहुत जोर का नींद आ गया था अपने को, बहुत जोर का। ट्रेन पे चढ़े अपना सीट पे बैठे और नींद आ गया तो उस पर सो गए थे प्लस। गाइज हर हर महादेव, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज अभी सुबह 5 बजने को है, लाइक मैं आपको टाइम दिखा दूँ ना, तो अभी देख सकते हो 4:56 उल्टा। सो गाइज अभी अपन लोग निकल चुके हैं देवघर के लिए, तो अभी यहाँ से अपने को बख्तियारपुर जानी है, बख्तियारपुर से अपना ट्रेन है और फिर बख्तियारपुर से डायरेक्ट सुल्तानगंज और फिर सुल्तानगंज से देवघर। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग सारा डिटेल में देता जाऊंगा गाइस, तो प्लीज़ बने रहना। बस में बस का वेट कर रहा हूँ, कब बस आएगी और फिर अपन लोग बस बैठेंगे, फिर बख्तियारपुर जाएंगे, फिर बख्तियारपुर से ट्रेन है, फिर वहाँ से सुल्तानगंज जो कि मेरे को 11:30 बजे तक पहुँचा देगी, 7:30 में अपना ट्रेन है। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है बस आने में और फिर ट्रेन का भी टाइम देखते हैं। तो जाते गाइस बिहार शरीफ टू सुल्तानगंज, देखते कैसा अपना ट्रिप होता है ट्रेन से। उसके बाद गाइस काफ़ी बम वाला, काफ़ी मस्त मस्त वीडियो आने वाला, डाक बम जो कि 24 घंटे में यात्रा करते हैं ना सुल्तानगंज से देवघर, वो भी वीडियो आने वाली है। सो प्लीज़ गाइस वीडियो में बने रहना और फिर वीडियो कहीं भी स्किप मत करना गाइस। अभी अपन लोग बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पहुँच चुके और यहाँ पे अपन लोग 6:30 बजे ही पहुँच गए यार, अलग अपना ट्रेन है 7:30 को लेकिन 6:30 बजे ही पहुँच गए। तो अभी देखते हैं अपना ट्रेन कितना लेट से आता है, प्लस मे बी 5-10 मिनट लेट ही होता है अपना ट्रेन, तो बस वेट करते हैं और फिर देखते हैं कितना लेट आती है ट्रेन। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन। सो गाइस देख सकते हो ये अपना बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है, प्लस ये एक ट्रेन आई है, ये किधर की ओर जा रही है कुछ पता नहीं, एक ट्रेन का नाम क्या वो भी नहीं पता, क्या है रांची पटना हावड़ा एक्सप्रेस, अच्छा जन शताब्दी एक्सप्रेस है, ये जा रही है अपना हावड़ा की तरफ। सो देख सकते हो बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन, प्लस अभी 6:30 सुबह का हुआ है और कुछ ऐसा भीड़ है, लाइक उतना भीड़ अभी उतना देखने को नहीं मिल रहा, बट सामने की साइड देखोगे ना उधर के साइड तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलेगा आपको देखने को उस तरफ, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है उधर तो। बट चलो फाइनली कोई, अभी तो बस इंतजार करते, 1.25 घंटा अपने को वेट करनी है भाई, 6:45 में ही पहुँचा दिया, ऑटो से आया बस नहीं मिला तो ऑटो से ही आ गए और फिर अभी अपन लोग वेट कर रहे हैं। गाइज अपना ट्रेन आ गई है, ये वाली ट्रेन है, तो इसी से अपना S1 में है, S1 में 78 नंबर सीट है अपना, तो बस जा रहे S1 के पास, 78 नंबर सीट भाई एकदम पीछे में रह गया यार ये तो, इसी के बिल्कुल ही पीछे में, तोड़ के जाना पड़ेगा अपने को नहीं तो खुल जाएगी ट्रेन, 2 मिनट का स्टॉपेज है सिर्फ। देख सकते हो बहुत ही पीछे है भाई, अभी तो AC ही है सिर्फ पूरा, ये B3 है भाई, और कितना चलना पड़ेगा यार भाई, बस चलते ही जा रहे हैं। ये क्या आया B2 B1 उसके बाद S1, तो S1 में आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो S1 में 78 नंबर सीट है अपना भाई, लास्ट में ही कर दिया यार, क्या सीन है भाई, B1 और फिर ये S1 आ गया स्लीपर वाला, यहाँ से भाई खुल भी गया यार। गाइस अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं सुल्तानगंज और फिर सुल्तानगंज में देखो ना तो काफ़ी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सारे जो बम आए ना उनका स्वागत के लिए बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ पे रहने का इंतजाम किया गया, लाइक धूप से बचने के लिए देखो यहाँ पे बैठने वाला, प्लस इधर सामान सब खरीदने वाला सारा कुछ है, इधर एक साइड भी एक टेंट है, उधर एक साइड भी टेंट है और आगे भी कुछ एक टेंट है, बहुत बड़ा ये वाला टेंट है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु लोग को ना भाई व्यवस्था तो काफ़ी अच्छा किया गया, प्लस सामने की साइड देखो सुल्तानगंज बोर्ड देख रहे हो, प्लस पानी पीने वाला बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया। और फिर और भी सारे लोग ये ट्रेन से उतरे हैं,
जो मैंने ट्रेन से आया ना वही ट्रेन से ये लोग भी आए, बहुत सारे बम आए इस ट्रेन से, तो गाइस देख ही सकते हो। हेलो भाई, सो एक और भाई मिल गया गाइस। मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे लोग पब्लिक लोग ना सपोर्ट करते हैं आपको, अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो ना सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग ना आपको डिमोटिवेट करते हैं। बट ये देखो सारे बम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, शायद इधर से ऑटो मिलती होगी, मेरे को पता नहीं है फिलहाल, तो अभी कुछ नहीं पता, अभी तो अपन लोग पहुँचे ही हैं इस ट्रेन से, बाहर निकलेंगे फिर देखते हैं ट्रेन इधर से ही है क्या। प्लस यहाँ भी कुछ है रहने का, खाने पीने का यहाँ पे इंतजाम किया गया। और गाइज मैं हूँ लाइक अभी स्टेशन पे ही पहुँचे भाई, बहुत जोर का नींद आ गया था अपने को, बहुत जोर का, ट्रेन पे चढ़े अपना सीट पे बैठे और नींद आ गया तो उस पर सो गए थे। प्लस यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अभी ना मैं आपको सारा बम को दिखाता हूँ, प्लस देखो इतना सारा बम ना इधर भी है। तो यार यहाँ से कितना दूर पड़ता होगा अपना नमामि घाट, ये तो पूछना पड़ेगा भाई किससे, लोग से, नमामि घाट कितना डिस्टेंस पड़ती है यहाँ से। ये देखो सारे बम सो रहे हैं अभी फिलहाल, सुल्तानगंज में हैं और सारे लोग सो रहे हैं अभी, देख सकते हो तो सारे लोग कवर लेके कैसे जा रहे हैं भाई यहाँ से। मतलब सोचो यार नमामि घाट जाना, फिर वहाँ से जल लेना, नहाना जल लेना है और फिर डायरेक्ट देवघर जाना है। तो आज मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें डाक बम ये सब सारा कुछ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर देखना गाइस। ये देखो सारा बम इधर से आ रहा है, देख रहा और इधर देखो कचरा ये सब सारा इसमें डाल रहा है। और फाइनली अपना ट्रेन खुल गई भाई, इसी से आए थे और ये ट्रेन अब जा रही है। देखो भाई मतलब आए थे इस ट्रेन से और जा भी रही है ट्रेन अब सुल्तानगंज। तो अब यहाँ से अपने को नमामि घाट जाना पड़ेगा, क्योंकि सुल्तानगंज तो स्टेशन है, मेनली अपने को जो घाट जानी है ना उसका नाम है नमामि घाट। तो वहीं पे सारे लोग स्नान करेंगे और फिर वहाँ से जल लेके डायरेक्ट देवघर की तरफ जाते हैं। तो अभी चलते हैं नमामि घाट, फिर वहाँ पे अपन लोग स्नान करेंगे और फिर निकलेंगे गाइस। ओ भाई तो अभी तो फिलहाल चलते हैं भाई, देखते हैं कितना टाइम लगता है अपने को, बस वक्त ही बताएगा कितना वक्त लगता है। प्लस उधर के साइड देखो और भी बहुत सारे भाई पैसेंजर इतना है क्या, इधर देखो ना सारा ओपन जगह है यार, सारा ही ओपन है सुल्तानगंज में। बट स्टेशन थोड़ा बड़ा ही है, मानो तो बहुत अच्छा स्टेशन है, मानो तो कुछ भी नहीं है ऐसा बोल सकते हो, लेकिन हाँ अच्छा ही है। कावर लोग को तो काफ़ी अच्छा इंतजाम किया गया स्टेशन पे, और बहुत जगह तो इंतजाम नहीं है लेकिन यहाँ पे इंतजाम काफ़ी अच्छा से किया गया, देख सकते हो इधर कितने सारे श्रद्धालु, कितने ज़्यादा बम है ना, सारे लोग बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, जो भी अभी स्टेशन से आया ना ट्रेन से आया ना वो रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आधे घंटा में लोग निकल जाएंगे। रुकने का इंतजाम है भाई, देख रहे हो लिफ्ट है सब सारा कुछ, अगला लिफ्ट तो आगे है भाई। इधर देखो सारे लोग इंतजाम कितना मस्त है इधर स्टेशन पे, तो यार कौन मतलब कौन बोलता है यार इंतजाम तो इतना अच्छा किया गया यहाँ पे यार सुल्तानगंज में, सारे बम का इंतजाम देखो यार कितना मस्त तरीके से किया गया है भाई, ये अच्छा लगता है यार जब सारे बम ऐसे अच्छे से मिलते हैं ना रेस्ट करते हो, देखिए ना बहुत ही अच्छा वाला फीलिंग्स आता है, हर हर महादेव। और ये अपना सुल्तानगंज भाई, फाइनली गाइस बस यही कुछ था। तो अभी अपन लोग सुल्तानगंज पहुँचे हैं और यहाँ से अपन लोग नमामि घाट जाते हैं, तो सोच रहे इस वीडियो को यहाँ पर एंड करें गाइस। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम गाइस। और अभी अपन लोग डायरेक्ट जाएंगे नमामि घाट, फिर वहाँ से अपन लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं गाइस।